हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीमेटोप्रास्ट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की, यानी आई ड्रॉप की। इस आई ड्रॉप का उपयोग कब किया जाता है, डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या साइड इफेक्ट है और क्या सावधानियां बरतनी है, डायरेक्शन फॉर यूज क्या है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे इस आई ड्रॉप की यूज की। तो ये जो आई ड्रॉप है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा ओक्युलर हाइपरटेंशन है तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर आंखों की समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करेंगे इसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं। तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है कंजक्टिवल हाइपरमिया है, यानी कि रेडनेस, हल्की सी इचिंग हो सकती है। ये आई ड्रॉप अपने कई ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे केयर प्रोस्ट, वेल प्रोस्ट, विम्टो है, लूमिगन। इसके अलावा ये अलग अलग नामों से एरिया और डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है। बात करेंगे ये आई ड्रॉप किस तरह से काम करता है। तो विमेटोप्रास्ट एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही काम करता है। और ये जो आंखों का बढ़ा हुआ जो प्रेशर है उसे कम करने में मदद करता है और पेन से रिलीफ दिलाता है। अब इसके डायरेक्शन फॉर यूज देख लेते हैं, यानी इसका उपयोग हमें किस तरह से करना है, आई ड्रॉप आंखों में किस तरह से डालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाना है, ऊपर की ओर देखना है और एक हाथ से थैली बनानी है एक आंख में, यानी निचली पलक को नीचे की तरफ खींचना है। अब ड्रॉपर को सीधे अपनी आंख के ऊपर रखना है और एक बूंद इस बने हुए पाउच में डालना है। नीचे की ओर देखना है, धीरे से अपनी आंखों को अब बंद कर लेना है और अपनी एक उंगली को अपनी आंख के कोने में, यानी नाक के पास पर रखना है। अपनी आंखें खोलने से पहले 1 से 2 मिनट के लिए कोमल दबाव डालना है। यह दवा को बाहर निकलने से रोक देगी। आप कोशिश करें कि आपकी आंखें ना झपके और ना ही आंखों को मले। अगर आपकी जो डोज है वो एक बूंद से ज्यादा है तो इन्हीं स्टेप्स को आपको दोहराना है। यदि दोनों आंखों में इस दवाई का उपयोग करने का निर्देश दिया है तो इन्हीं स्टेप्स को अपनी दूसरी आंखों के लिए भी दोहराना है और ड्रॉपर को धोना नहीं है। एक्सपर्ट की क्या एडवाइस है वो देख लेते हैं। तो विमेटोप्रास्ट अगर आई ड्रॉप आपको प्रिस्क्राइब किया है तो ये जो आई ड्रॉप है विजन लॉस की जो रिस्क होती है उससे भी बचाता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको 1 ड्रॉप हर दिन एक टाइम पर ही डालना है, जिस आंखों में जो अफेक्टेड आई है आपकी उसी आंखों में आपको डालना है। विमेटोप्रास्ट जो आई ड्रॉप है इसके कारण ब्राउन पिगमेंटेशन हो सकता है आइरिस का और परमानेंट डिसकलरेशन भी हो सकता है। इससे आईलिड की स्किन डार्क हो सकती है। अगर दूसरी आई ड्रॉप का आपको उपयोग करना है तो इसके डालने के बाद 10 से 15 मिनट आपको वेट करना चाहिए। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि किसी और के भी काम आ सके। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।